अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी अभी दोपहर का टाइम है, आज मैंने व्लॉग ना 12 बजे तकरीबन शुरू कर दिया है। अभी मैं तैयार हो गया हूँ, रुके आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी तैयार मैं हो गया हूँ, अभी कॉलेज के लिए जाने लगा हूँ। आज प्रेजेंटेशन भी है, असाइनमेंट मैंने बना ली है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो देखते हैं कॉलेज जाके क्या बनता है। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है कि प्रेजेंटेशन दूंगा। तो अभी निकलते हैं कॉलेज के लिए, पहले जाकर नमाज़ पढ़नी है फिर क्लास में चलते हैं। मोबाइल तो अलाउ नहीं है, लेकिन अगर वीडियो बन गई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं ना अभी निकलने लगा हूँ, मास्क वगैरह लगा लिया है क्योंकि रोड ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इतना रोड ख़राब है कि मिट्टी जो है ना उसकी वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। हेलमेट मैं पहनता नहीं हूँ, तो मास्क वगैरह लगा लिया है। तो मैं निकलने लगा हूँ, तो रास्ते में अगर कोई अच्छे सीन मिले तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वरना फिर कॉलेज जाके मिलेंगे। तो जी चेक करें, आज मौसम भी बहुत प्यारा है, तो धूप इतनी तेज़ नहीं है, वरना 3-4 दिनों से तो बहुत धूप थी। आज ना बादल बादल हैं, वरना पिछले 3-4 दिनों से जो धूप थी ना पूरी गर्मियों वाली फीलिंग आ रही थी। तो आज चेक करें, आज धूप बहुत कम है। अभी मैं जा रहा हूँ बाइक पे, साथ साथ व्लॉगिंग भी हो रही है, तो ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि आगे मेन रोड आ रहा है। माशाल्लाह जी हमारा रोड चेक करें, जो ना 15 मिनट का सफ़र हो ना तो आधा घंटा लगता है। इतना टूटा हुआ है, बनाते भी नहीं है, पता नहीं अजीब ही काम है इन लोगों के, जगह जगह से टूटा हुआ है सारा। फाइनली मैं कॉलेज पहुंच गया हूं, पढ़नी है नमाज, तो मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूं। ये है जी कॉलेज का ग्राउंड, ये है जी मस्जिद। लड़के और भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो मैं भी नमाज़ पढ़ लूं, तो नमाज के बाद मिलता हूं। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, वैस भाई आ गए थे तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नमाज़ पढ़ लेंगे फिर हम दोनों इकट्ठे क्लास में जाएंगे। मैं और वैस भाई जा रहे हैं अपनी क्लास की तरफ। मैंने ना आप लोगों को बताया नहीं है, हमारे कॉलेज में ना बुक फेस्टिवल हो रहा है, तो उसका आज मेरे ख्याल से तीसरा दिन है। पहले दो दिन तो मैं व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं कौन सा मोबाइल लेकर आता हूँ। आज अगर टाइम मिला तो व्लॉग वो भी शूट करूँगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन भी है, लास्ट लेक्चर में प्रेजेंटेशन है इंग्लिश की, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अगर बन गई। तो जी हम लोग जा रहे हैं बुक फेस्टिवल की तरफ, मेरे साथ है मेरी भाई, तो वहीं पर जाकर मिलते हैं आप लोगों को। बुक्स तो काफ़ी हैं यहाँ पर, लेकिन मेरी नज़र में ये बुक है जो कि लाजमी हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। बाकी अच्छी अच्छी बुक है बहुत। ये देखें जी मियाँ वैस साहब, ये भी पोइट्री की बुक्स लेने आए हैं यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। सराइकी विच हती तनकीद, क्या नाम है इसका यार। ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसे भी ना लाजमी पढ़ना चाहिए सबको तकरीबन। यहाँ पर ना फूड के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं काफ़ी, तो हम गोलगप्पे लेने गए थे वो तो मिले नहीं है। वो फैसल भाई जा रहे हैं। मेरे भाई पैसे तो दिए नहीं है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मसाला तो डालो ना इसके ऊपर। मसाला डाल तो दिया है मेहरान भाई, आप क्या कर रहे हो? बस करो यार, मेरा लोगों ने रोल समोसियाँ और टिकियाँ ले ली हैं, तो ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर बैठ के खाएंगे। तो जी ये ग्राउंड है हमारे कॉलेज का मेन बड़ा ग्राउंड, और ये मस्जिद है, यहाँ पर सुबह नमाज पढ़ी थी, आप लोगों को तब भी दिखाई थी मैंने। ये बिल्डिंग अभी नया डिपार्टमेंट है कोई, तो अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुई, जब होगी तब भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जी ये चीज़ें हैं जो हम लोग लेकर आए हैं, तो है तो वैसे ठंडी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, खाते हैं अभी। ये ना पढ़ने वाला बच्चा है, और ये जो है सबसे ज़्यादा खाने वाला है। यार हम लोग ना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, ये बंदा ना तैयार नहीं करने दे रहा, अब बिला वजह बोल ही जा रहा है। ये देखो यार मेरी भाई चुप कर जाओ यार, पढ़ने दो यार। ये देखें इसकी भी प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये भी तैयारी नहीं कर रहा। What is verbal communication? The communication which takes place in the form of words is called verbal communication. There are two types of verbal communication. First one is oral communication. Second
वाले थ्रेडर कम्युनिकेशन। बोथ टाइप्स हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद स्पोकन वर्ड्स, फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन विद फैमिली और फ्रेंड्स और स्पीचेस प्रेजेंटेशन। एंड देर आर सम एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई विल डिस्कस अ फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज इट इज फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन। And the second one is it saves time and cost. The third advantage of oral communication is it is very helpful in case of emergency. फाइनली हमने प्रेजेंटेशन दे दी है, माशाल्लाह प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही है। हम तीनों ने दी है प्रेजेंटेशन, तो ये जो मेहर भाई है ना, तो ये कह रहे थे मैंने प्रेजेंटेशन नहीं देनी क्योंकि इनको ना शर्म आती है क्लास में। ये देखें जी, आप ना पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। तो ये देखें हम लोग कहाँ पे आ गए हैं। ये बंदा ना अपनी प्रेजेंटेशन की वीडियो मांग रहा है मुझसे। और मेरी भाई कहाँ पे जाना है आपने? पेट्रोल के पैसे लगेंगे, पेट्रोल नहीं है मेरे पास इतना। हम लोग ना बाइक्स निकालने लगे हैं। इन्होंने ना यहाँ पे नोटिफिकेशन जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया है लिख लगाया हुआ है कि अपने अपने मोटरसाइकिल की खुद हिफाजत करनी है, अगर किसी का चोरी हो गया तो कॉलेज इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। लॉक वगैरह लगा कर यहाँ पर बाइक खड़ी करनी पड़ती है। मैं वापस जा रहा था लेकिन ना रस्ते में बिलाल भाई मिल गए हैं। अब हम दोनों जा रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, शॉपिंग वो लेनी है, तो उसके बाद कुछ खाएंगे फिर दोबारा घर को वापस चलते हैं। बिलाल भाई को लगी हुई थी भूख तो हम लोग शवारमा खाने आ गए हैं। वो देख ले, उनका शवारमा इतना बड़ा है और मेरा शवारमा छोटा सा है, क्योंकि मैंने ना कॉलेज में भी काफ़ी चीज़ें खा ली थी तो इसीलिए ना दिल नहीं कर रहा था खाने को। जी शवारमा बड़ा मज़े का शवारमा है, तो अभी खाते हैं, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये है जी गोजरा का फेमस मॉल, अलबारिक मॉल गोजरा। बस चेक करें आप, शाम का टाइम है ना, तो जो शहर के लोग हैं वो इसी टाइम निकलते हैं बाहर। मैं जी गाँव के बिल्कुल पास तकरीबन पहुँच चुका हूँ। मैं ना बस वीडियो बनाने के लिए रुका था। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।